हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल बीइंग टेक्नोज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हीरो मेस्ट्रो के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छी स्कूटी है। इसके बारे में बताने वाले इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट, और इसके बारे में बात करेंगे फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ऊपर लाइक के बटन को काला से नीला कर दीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आते नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बगल में पड़े घंटे को दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो इसका जो फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ्रंट लुक दिया गया इसका। इसका जो हेडलाइट मिलती है वो आपको मिल जाएगी 35 वाट का हैलोजन बल्ब लाइट मल्टी रिफ्लेक्शन टाइप का, जो कि काफ़ी अच्छी रोशनी देगी आपको। इसका जो फ्रंट लुक आप देख सकते हैं ना, काफ़ी अच्छा दिया गया, काफ़ी एग्रेसिव दिया गया। अगर आप ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, लेकिन आपको कोई भी आप कलर लेंगे इसमें तो आपको ब्लू मतलब ब्लैक का ऑप्शन मिलना ही मिलना है, क्योंकि ब्लैक इसका जो होता है ना, इसका जो मल्टी कलर देने के लिए इसमें ब्लैक का यूज़ किया गया है, हर मैक्सिमम हर कलर में इसका। इसके टायर की बात करें और ब्रेकिंग सिस्टम के, तो जो टायर है वो आपको मिल जाएगा 90/90/12 का ट्यूबलेस टायर, और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपको मिल जाएगा 130 mm का ड्रम ब्रेक। इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात करें, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो आपको मिल जाएगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि काफ़ी अच्छा कहते हैं, आपको कंफर्ट देगा इस स्कूटी को राइड करने में। इसका जो इंडिकेटर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंडिकेटर दिया गया है, लेकिन अगर आप कहते हैं इसको नाइट में अगर चलाएंगे ना, इसका जैसे पास लेंगे या कुछ भी लेते हैं, तो आपको नाइट में इसका जो इंडिकेटर जो ऑन होता है ना, काफ़ी बड़ा मतलब इंडिकेटर देने की वजह से काफ़ी अच्छा लगता है इसका लुक आगे से। इस साइड से भी आपको दिखाते हैं इसका लुक, आप देख सकते हैं इसका लुक। इसमें ग्राफिक्स ये थोड़ी बहुत कहते हैं, इसमें ग्राफिक्स करने के बाद इसका जो लुक आता है ना, काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसका जो फ्रंट टायर है उसकी बात करें, तो इसका जो फ्रंट टायर है वो भी आपको बता दिया गया 90/90/12 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। इसका अलॉय व्हील जो दिया गया, काफ़ी अच्छे डिजाइन में अलॉय व्हील दिया गया है। चलिए आपको दिखा देते हैं इसका मीटर कंसोल, ये आप देख सकते हैं इसका मीटर कंसोल आपको फ्रंट से दिखाते हैं। चलिए आपको पास से दिखा देते हैं इसका मीटर कंसोल, ये आप देख सकते हैं मीटर कंसोल। इसमें आपको डिजिटल मीटर कंसोल भी मिलता है, और एनालॉग मीटर मतलब सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा मीटर कंसोल दिया गया है इसमें। इसमें आपको जो स्पीडोमीटर मिलता है वो आपको मिल जाएगा एनालॉग, यहाँ पे मिल जाएगा फ्यूल इंडिकेटर, और साथ ही साथ इसमें आपको क्लॉक मिल जाएगा। चलिए आपको फिर से ऑन करके दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पर मिल जाएगा फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पर मिल जाएगा आपको जो ट्रिपोमीटर, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्लॉक ऑप्शन। इस साइड में राइट साइड में आपको मिल जाएगा इसका सेल्फ स्टार्ट का स्विच, जो कि काफ़ी अच्छा दिया गया, काफ़ी बड़ा दिया गया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको जैसे कभी कभी होता है छोटा स्विच होता है तो राइड मतलब चलाते समय थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इसका जो सबसे अच्छा फीचर्स है वो है इसका की, क्योंकि इसमें आपको जो सारे मतलब जो फीचर्स होते हैं, जैसे सीट ओपन का, फ्यूल कैप ओपन करने का, सारे फीचर्स इसमें आपको यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं, आपको की निकाल के कहीं ले जाने की जरूरत नहीं होती है, जो कि काफ़ी अच्छा इसमें फीचर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट ओपन का ऑप्शन मिल जाएगा, और यही साइड में आपको फ्यूल पंप में तो फ्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि ओपन करने के लिए बाद में आपको ओपन करके दिखा देंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं इस साइड में, ये आपको मिल जाएगा हॉर्न का स्विच और इंडिकेटर का स्विच, ये आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत कहते हैं पास लाइट का स्विच। चलिए आपको दिखा देते हैं इसका जो फ्रंट में आपको जो स्पेस मिलता है ना, इसके जो पैर रखने का जो जगह मिलती है, काफ़ी अच्छा जगह मिलता है, अब सामान भी रख सकते हैं इसमें। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सामान टांगने के लिए हुक, एक हुक इधर मिल जाएगा, एक हुक आपको सामने मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा हुक, मतलब सामने भी आप सामान काफ़ी सामान रख सकते हैं पैर रखने के बाद भी। और चलिए आपको दिखा देते हैं इसका जो साइड में, आपको साइड से इसका जो लुक लगता है काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पर मिल जाएगा मेस्ट्रो लिखा हुआ 3D में, ये आप देख सकते हैं मेस्ट्रो लिखा हुआ 3D में, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए आपको इसका सीट दिखा देते हैं, इसका जो सीट आपको देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिया गया है, और जो कुशन दिया गया ना, काफ़ी सॉफ्ट कुशन दिया गया, यूज़ किया गया, जो कि अगर लॉन्ग राइड भी इस पर करते हैं ना, काफ़ी मतलब कंफर्टेबल फील होगा। चलिए आपको इस सीट को ओपन करके दिखा देते हैं इसके अंदर का, यहाँ से आपको सीट ओपन करना होगा, तो आपको की यहाँ से आपको सिर्फ आपको यहाँ पर टर्न करना है, आपका सीट ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपको सीट ओपन हो गया होगा यहाँ से, चलिए दिखा देते हैं ओपन करके, ये देख सकते हैं अभी का सीट ओपन हो गया। इसमें जो सीट का मुझे कैपेसिटी की है सीट के अंदर, वो आपको मिल जाएगा 21 लीटर के सीट कैपेसिटी है, यहाँ पे मिल जाएगा चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन, और सबसे खास फीचर इसमें आपको लाइट मिलती है। अगर नाइट में आप सीट ओपन करते हैं, आपको सामान ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि इसमें लाइट बल्ब लाइट दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा कहते हैं, अच्छा फीचर्स दिया गया है। चलिए आपको दिखा देते हैं अब इसका जो फ्यूल टैंक है उसको ओपन करके, ये देख सकते हैं फ्यूल टैंक कैप ओपन हो गया, मतलब इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक दिया गया है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आपको बार बार सीट ओपन करके आपको फ्यूल रिफ्यूल नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पे आप की ओपन करेंगे आपका ये फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा। यहाँ सब इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.5 लीटर की, जो कि काफ़ी अच्छी मान सकते हैं इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी। आइए आप दिखा देते हैं, चलिए आपको इसको सुना देते हैं, इसका एग्जॉस्ट दिखा देते हैं, इसके ब्रेकिंग सिस्टम और टायर की बात कर लेते हैं। रियर
इसके इंजन की बात करें, इसका जो इंजन मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 110.9 सीसी का इंजन मिल जाएगा। मैक्स पावर की बात करें इसके, तो इसका मैक्स पावर मिल जाएगा 8 BHP का 7,500 RPM के साथ। मैक्स टॉर्क की बात करें इस स्कूटी की, तो इसका जो मैक्स टॉर्क मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा 8.7 न्यूटन मीटर का 5,500 RPM के साथ, सिंगल सिलेंडर के साथ, एयर कूलिंग सिस्टम के साथ। चलिए इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, इसका जो रियर ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है वो भी आपको मिल जाएगा 130 mm का ड्रम ब्रेक। इसको एग्जॉस्ट सुना देते हैं इसका, जो काफ़ी अच्छा दिया गया है। मतलब इसका एग्जॉस्ट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट दिया गया है, काफ़ी लंबा एग्जॉस्ट दिया गया है। मतलब इसका साउंड भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। और इसके चलिए बात कर देते हैं, इस साइड से आपका टेल लाइट दिखा देते हैं। इसका टेल लाइट आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा टेल लाइट दिया गया है। इसमें इंडिकेटर भी मिक्स कर दिया गया, इसलिए इसका जो पीछे से लुक आता है ना काफ़ी एग्रेसिव और अट्रैक्टिव लुक लगता है इसका पीछे से। इसका जो पीछे से आप देखेंगे सीट देख सकते हैं, काफ़ी लंबा सीट दिया गया है। अगर आप इसे नाइट से इसे मतलब नाइट में इसका जो मतलब जो टेल लाइट होता है ना इसको चलाते हैं ना, इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर और टेल लाइट सब सेम एक ही साथ मतलब मिक्स किया है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। इस साइड में भी आपको मिल जाएगा मेस्ट्रो लिखा हुआ, ये आपको नीचे मिल जाएगा फुट रेस्ट, जो कि मतलब लेडीज़ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फुट रेस्ट, जो कि इसमें दिया गया है आपको। ये आपको मिल जाएगा मेस्ट्रो लिखा हुआ 3D में। चलिए आपको दिखा देते हैं इसका ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको मिल जाएगा किक ऑप्शन, जबकि आपका कभी बैटरी प्रॉब्लम होती है तो इसमें आपको किक ऑप्शन मिलता है। इसका ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाएगा आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक। चलिए आपको दिखा देते हैं इसका लेंथ और डायमेंशन की बात करें, तो इसका जो लेंथ है वो आपको मिल जाएगा 1,841 mm का। हाइट की बात करें इस स्कूटी की, तो इसका जो हाइट मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा 1,190 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलेगा इसमें आपको बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। सीट हाइट की बात करें इसके, तो इसका सीट हाइट है 775 mm का। इसके व्हील बेस की बात करें, व्हील बेस है वो आपको मिल जाएगा 1,261 mm का। वेट इस स्कूटी की, वेट की बात करें इसका वेट है 110 kg का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको बता दी गई 5.5 मतलब क्या कहते हैं 5.5 लीटर का है। चलिए आपको बताते हैं परफॉर्मेंस की बात करें इसका, तो जिसका टॉप स्पीड आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 80 से 85 km/h। और इसका माइलेज की बात करें, इसका जो माइलेज मिलेगा वो आपको मिल जाएगा सिटी में 35 से 40 km/l। वहीं आपको जो हाईवे पे इसका माइलेज मिलता है वो आपको मिल जाएगा 45 से 50 km/l। मतलब ये थे इसके फीचर्स। तो दोस्तों आपको मतलब बता दिया गया इसके बारे में फुल डिटेल में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बगल में पड़े घंटे दबा दीजिएगा जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।